मॉर्निंग, तो मैं हो गई हूँ रेडी और यश गए हुए हैं जैसा आपको पता है आईपीएल देखने के लिए। तो वो पूरे 3 दिन के बाद आज घर लौटने वाले हैं। तो यश गए हुए थे आईपीएल देखने, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो जिस दिन फाइनल देखने गए थे उस दिन बारिश हो गई, तो वो दिन तो ड्यू हो गया मैच। और दूसरे दिन हुआ जैसा कि कल मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग और गुजरात के बीच में, और धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग जीत गई। और हमने मैच मिनिमम 12:30 बजे तक मम्मी और मैंने देखा, और पापा ने तो बहुत लेट तक मैच देखा। तो ये सब तो ठीक है, पर लेकिन आज यश आ रहे हैं 3 दिन के बाद घर, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम हम दोनों 3 दिन तक एक दूसरे से दूर रहे हैं। ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया हमारे लिए, ऐसा लग रहा था जैसे कि 3 साल हो गए। तो अभी अपन करते हैं घर का काम। तो घर के काम में कॉफ़ी बनानी है मम्मी पापा के लिए, और थोड़े बहुत कपड़े हैं वो समेटने हैं। तो एक बार मैं मम्मी पापा के लिए कॉफ़ी बना देती हूँ, फिर कपड़े वगैरह समेटूँगी, और बस सिर्फ इंतज़ार इतना है कि यश कब आएंगे। और यहाँ पे ये दोनों कर रहे हैं मस्ती, इन दोनों के मज़े हैं मज़े। और बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से है, मस्त। तो आज के खाने में मैंने बनाया है आलू की लिक्विड सब्जी, मैं आपको बताती हूँ। आलू की लिक्विड सब्जी बनाई है और आटा लगा दिया है मैंने यहाँ पे। और जैसे ही यश आते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं, इसके बाद मैं रोटी बना दूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और लाइटें भी बारिश ज़्यादा आने की वजह से इतना आना जाना कर रही है। परसों वाली नाइट में तो पूरी रात बारिश आई थी और पूरी रात लाइट भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसलिए कल का ब्लॉग डिले हो गया था क्योंकि फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था और साथ में इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए चार्ज ही नहीं कर पाई मैं। खाने का काम तो कंप्लीट कर दिया है और अब मैं लगा देती हूँ झाड़ू घर में। और मम्मी कर रहे हैं आगे आंगन में पोछा, तो मैं घर में झाड़ू लगा देती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी क्या कर रहे हैं। तो वाह मम्मी कर रहे हैं पोछा, तो अपन तो लगाते हैं झाड़ू। टिक लग रही है ना पूरी काम वाली जैसी। क्या गर्मी लग गई, झाड़ू निकलते निकलते मतलब ऐसी गर्मी लग गई मेरे को कि क्या बताऊँ। ठंड में तो गर्मी में तो ठंड याद आ गई मेरे को। गर्मी में तो पानी वाला काम कराओ ना तो कर सकते हैं, बर्तन कपड़े पोछे, लेकिन झाड़ू और किचन में खाना बनाना बहुत मुश्किल है। ठंड इसलिए याद आ गई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए ठंड याद आएगी। आपको भी याद आ रही होगी ठंड। तो मेरा काम तो ऑलमोस्ट हो गया है और यश भी आ गए हैं। तो यश जैसे ही आए वो गए नहाने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए। उनके फेस से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है उनको और आवाज़ भी बैठ गई है। तो अभी वो गए हैं नहाने, वो जैसे ही बाहर निकलते हैं मैं आपको इनसे मिलवाऊँगी। आईपीएल वाले पावणे आ गए हमारे। कैसा रहा आईपीएल आपके है? खाना यहाँ पे मम्मी और हम दोनों खा रहे खाना, और पीछे बारिश जैसा मौसम हो गया है, आज फिर बारिश आएगी। यश अच्छा हुआ कल आपके आईपीएल हो गया। नहीं तो मम्मी क्या होता आज भी। तो खाना हमारा हो गया और इतना खतरनाक मौसम हो गया है, बिल्कुल पीछे तो काला 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 हो गया है और आगे से भी कुछ ऐसा हो गया है, अंधेरा 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 हो गया, अचानक से इतना सारा मौसम बिगड़ गया है। मैं भी नहीं दिख रही हूँगी अंधेरे में। ये कुछ इस तरीके का मौसम हो गया है, झम के बारिश आने की संभावना है, बहुत भूकंप आके है। तो मैं तो बर्तन धो रही थी और बर्तन धोते धोते इतनी झम के बारिश आ गई, जैसा आपने देखा मौसम तो हो ही गया था। और पीछे जो हमारे आशा मासी हैं जो हमारे पहले घर पे काम करते थे वो भी आए काम करने, ऐसी बारिश में मम्मी और दोनों कपड़े धो रहे हैं, वो और अलग मचे ले रहे।
मौसम के बारिश से मतलब एक बार फटाफट से मैं स्टैंड साफ कर देती हूँ। बर्तन वाला काम तो कंप्लीट हो गया है और फिर जाती हूँ मैं दुकान पर। यश सोए थे सोफे पे, मेरे को भी नींद आ गई, मैं पीछे वाले रूम में जाके सो गई। तो अभी जाना है हमको, हमारे पास में शादी है जैन की जो है ये ऋषभदेव में, तो अभी हम वही जा रहे हैं। तो फटाफट से एक बार मैं रेडी हो जाती और यश के कपड़े मुझे नीचे ही ले जाते हैं। यश बहुत ज़्यादा नींद में, क्योंकि 2 दिन की नींद है। तो एक बार फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर जाती हूँ नीचे। मैं खुद थकती हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। ये सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, ये सीढ़ियाँ हमारे बहुत स्ट्रेट है, तो चढ़ते चढ़ते बहुत थकान लग जाती है। फेस वॉश मैंने कर लिया और साड़ी भी निकाल दी है यहाँ पे, तो एक बार फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मम्मी कह रहे थे कि आधे घंटे में निकलना है ऐसा। तो एक बार फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है, रेडी तो नीचे रखूँगी क्योंकि मुझे यश के कपड़े भी लेके जाने हैं। यश को भी रेडी होना है, इसलिए एक बार फटाफट से यश के कपड़े ले जाती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ, नीचे जाके जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पे यश रेडी हो रहे हैं और मैं हो गई हूँ रेडी, और मम्मी भी हो गए रेडी, हो गए हैं दुकान पर। हम आ गए हैं शादी से घर पे, बहुत ज़्यादा थक गए और अभी बनाना है पापा के लिए खाना। तो पापा क्या कर रहे हैं, पापा दुकान पे ही है, पापा दुकान संभाल रहे हैं। कान मतलब इतना बेल्ट बज रहा था, कान में जू जू की आवाज़ आ रही है अभी तक। तो अब पापा से पूछते हैं पापा को क्या खाना है, तो उनके लिए खाने में बनाते हैं जो उनको पसंद हो वो। तो मैं आ गई ऊपर और पापा के लिए खाना बना दिया था मैंने। खाने में बनाया था पापा के लिए नमकीन की सब्जी और रोटी, तो पापा भी खा के वॉक पे गए और मम्मी बाहर बैठे हुए। तो मैं आज जल्दी आ गई ऊपर, क्योंकि साड़ी में मुझे ऐसा हो गया था कब निकालूं मैं इसको, इरिटेट हो गई थी बहुत, क्योंकि बहुत टाइम से आप भी देख रहे हो व्लॉग में मैं साड़ी नहीं पहन रही हूँ। तो आज साड़ी पहननी पड़ी, तो मम्मी तो कह रहे थे सूट ही पहन ले कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बोला कि साड़ियाँ भी क्या कम है कि मेरे पास बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, नहीं पहनूंगी तो वो साड़ी ओल्ड हो जाएगी, इसलिए मैंने साड़ी पहनी। तो अभी यश है बाहर इनके दोस्तों के साथ, क्योंकि कोई इनका दोस्त आने वाला है तो मैं उनसे मिल के आऊँगा ऐसा बोल रहे थे। तो मैं आज का व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और हाँ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और यश आ गए IPL से, तो अब मैं शांति से पूछूंगी कैसा रहा वहाँ पे, क्या रहा, कैसे इंजॉय किया। बहुत होर्डिंग की है इन्होंने, गला बैठ गया है पता चल रहा है। तो वो व्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाला है, शायद इस व्लॉग से पहले ही आ जाए। तो मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में।